दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। नर्सरी राइम्स ऐसी कविताएं जिन्हें छोटे बच्चों के मनोरंजन के लिए गाया जाता है, अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं जिनसे आप शायद ही कहीं वाकिफ हों। आज इस वीडियो के तीसरे भाग में हम आपको कुछ और नर्सरी राइम्स से रूबरू करवाएंगे जिनकी काली सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। हम्प्टी डम्प्टी सेट ऑन ए वॉल, हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again. दोस्तों, Humpty Dumpty नाम सुनते ही आपके मन में जरूर एक अंडे जैसे दिखने वाले आदमी की शक्ल आती होगी, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये 17वीं सदी में ब्रिटिश सिविल वॉर के दौरान इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी भरकम तोप को कहा जाता है। कहा जाता है कि साल 1642 से 1649 के बीच हो रही ब्रिटिश सिविल वॉर के समय इंग्लैंड के कोलचेस्टर शहर को दुश्मनों ने घेर लिया था। उस दौरान कोलचेस्टर के एक योद्धा जैक थॉम्सन ने अपने आदमियों के साथ मिलकर इस तोप को कोलचेस्टर के किले पर तैनात किया और इसकी मदद से दुश्मनों को भारी भरकम नुकसान पहुंचाया। इस कविता की लाइन्स हम्प्टी डम्प्टी हैड अ ग्रेट फॉल, All the king's horses and all the king's men could not put Humpty together again के मुताबिक उस तोप का संतुलन अचानक बिगड़ गया और वह उलटकर नीचे जा गिरी, जिसके बाद थॉम्सन और उसके आदमियों की लाख कोशिशों के बाद भी उस तोप को वापस तैनात नहीं किया जा सका और आखिरकार कोलचेस्टर पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया। वहीं एक और मान्यता के अनुसार हम्प्टी डम्प्टी 15वीं सदी में इंग्लैंड के राजा रिचार्ड तीसरे को कहा जाता है। यहाँ वॉल शब्द या तो उसके घोड़े को या फिर उसके सैनिकों को कहा गया है। इस कविता की आखिरी तीन लाइंस के मुताबिक कहा जाता है कि साल 1485 में बैटल ऑफ बोसवर्थ में रिचार्ड अपने घोड़े से नीचे गिर पड़ा, जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया और उसके सैनिक लोग उसे बचा नहीं पाए। Old Mother Hubbard went to her cupboard to fetch her poor dog a bone, and so the poor dog had none. इस कविता के मुताबिक Old Mother Hubbard 18वीं सदी में King Henry 8वें के राज में Cardinal Wolsey को कहा गया है और bone शब्द तलाक को कहा गया है, जो King Henry अपनी पत्नी Catherine से लेना चाहता था, और cupboard शब्द उस समय के चर्च को कहा गया है। दरअसल कैथरीन हेनरी के भाई की बीवी थी, जिसकी शादी के कुछ महीनों बाद मौत हो गई थी और बाद में कैथरीन ने हेनरी से शादी कर ली, लेकिन शादी के 16 साल बाद भी हेनरी की कोई औलाद नहीं हो रही थी, जिसे लेकर वह बेहद परेशान था और इसी कारण वह उससे तलाक लेना चाहता था और अपनी एक प्रेमिका से शादी करना चाहता था। तलाक दिलाने का जिम्मा कार्डिनल वोल्से को दिया गया था, लेकिन वह किसी कारण ऐसा नहीं कर सका और उसे जेल हो गई, जहां पर उसकी मौत हो गई। Oranges and lemons, say the bells of St. Clement's. You owe me 5 farthings, say the bells of St. Martin's. Here comes a candle to light you to bed, and here comes a chopper to chop off your head. यूं तो कहा जाता है कि इस कविता में oranges और lemons 17वीं सदी में चर्च की घंटियों को कहा जाता है, लेकिन इस कविता को लेकर दो अलग अलग मान्यताएं पेश की गई हैं। एक मान्यता के मुताबिक ये कविता किंग हेनरी 8वें की शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों पर आधारित है। जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि किंग हेनरी अपनी औलाद ना होने के कारण बेहद परेशान था, इसलिए अपनी संतान पाने के लिए उसने 6 अलग अलग महिलाओं से शादी की थी।
वहीं एक और मान्यता के मुताबिक ये कविता बताती है कि 17वीं सदी में कैसे मुजरिमों को सजाए मौत दी जाती थी। उस समय मुजरिमों को सजा देने से पहले उसे लंदन के सभी मशहूर चर्चों में घुमाया जाता था। और बाद में इस कविता की आखिरी लाइन एंड हेयर कम्स अ चॉपर टू चॉप ऑफ योर हेड के मुताबिक मुजरिम का सिर काट कर उसे सजाए मौत दी जाती थी। दोस्तों, आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।